वेलकम टू बोर्ड एग्ज़ाम 2023। यह जो चैनल है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड एग्ज़ाम 2023 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस चैनल पे हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम 2023 चाहे वो ICSE क्लास 10th का हो या फिर CBSE क्लास 10th का हो या फिर क्लास 12th का हो, उसी से रिलेटेड वीडियो इस पर पोस्ट होंगे। और जो कुछ भी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सभी आपको हरदम इस पर मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 7 जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का। इसका हम लोग इसमें पहले सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इस चैप्टर में क्या कुछ आपको पढ़ना है और क्या कुछ इस चैप्टर में आपको नहीं पढ़ना है। पहले हम लोग इस पर आज चर्चा करेंगे कि जो चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है कि हमें किस चैप्टर में क्या पढ़ना है और क्या कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये आपके NCERT बुक का PDF है चैप्टर 7 का। देखिए जो आपका ये चैप्टर है इसमें हमें डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना होता है जो 7.1 में है। एंड तो ये आपका 7.1 जो डिस्टेंस फार्मूला है ये आपके सिलेबस में है। तो 7.1 जो आपका एक्सरसाइज है इसमें से कुछ भी एलिमिनेट नहीं हुआ है, कंप्लीट एक्सरसाइज 7.1 हमें पढ़ना है। उसके एग्जांपल्स भी पढ़ने हैं, इसके जो क्वेश्चन आंसर दिए उनको हमें सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज 7.1 में समझ लो आपके कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। एक्सरसाइज 7.1 को आपको कंप्लीट पढ़ना है और इसको आप अच्छे से पढ़ लें। और जितने भी इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे एग्जांपल हमें 1 दे रखा है, ये भी इसको भी हमें अच्छे से सॉल्व कर लें क्योंकि एग्जांपल्स से क्वेश्चंस अक्सर बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 में हमारा कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, चाहे जो कोई एग्जांपल हो चाहे कुछ भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, सब कुछ हमें करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.1 का एग्जांपल नंबर 5, 4 सब आपके सिलेबस में है। देन एक्सरसाइज 7.1 के सभी क्वेश्चंस आपके सिलेबस में है, चाहे क्वेश्चन नंबर 1 हो, क्वेश्चन नंबर 2 हो, क्वेश्चन नंबर 3 हो, क्वेश्चन नंबर 4 हो या फिर क्वेश्चन नंबर 5 हो, ठीक है। देन आता है आपका अगला एक्सरसाइज सेक्शन फार्मूला। देखिए अब सेक्शन फार्मूला में क्या होता है कि सेक्शन फार्मूला में अपने पास 3 टाइप के फार्मूला होते हैं। एक होता है इंटरनल बाइसेक्टर, एक होता है एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला एक्सटर्नल वाला, और एक होता है मिड पॉइंट, एक होता है मिड पॉइंट। तो देखिए पहला जो आपका है सेक्शन फार्मूला ये आपका इंटरनल वाला है। जो इंटरनल वाला सेक्शन फार्मूला है ये आपके सिलेबस में है, यानी कि जो ये सेक्शन फार्मूला आपको दिया है स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये वाला सेक्शन फार्मूला आपके सिलेबस में है, इसको हमें पढ़ना है। इसको हम बोलते हैं इंटरनल बाइसेक्टर, ठीक है। यानी कि कोई एक लाइन दिया गया है, मान लीजिए हमें एक लाइन ए भी दिया है, तो कोई पॉइंट पी इस लाइन पे है जो इंटरनली इसको कट कर रहा है दो पार्ट्स में, इसको हम बोलते हैं सेक्शन फार्मूला जो ये इंटरनल वाला है। तो ये हमारे सिलेबस में, इसको हमें पढ़ना है। देन आपका अगला आता है मिड पॉइंट। अगला क्या फार्मूला है आपका, ये मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। ये भी आपके सिलेबस में है, इसमें भी कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। मिड पॉइंट कहने का मतलब क्या है कि कोई एक लाइन है ए बी और पॉइंट पी क्या है इसका मिड पॉइंट है, पॉइंट पी इसका ये मिड पॉइंट है, तो हमें पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट पता करना है। तो ये आपके सिलेबस में है, ये मिड पॉइंट फार्मूला भी हमें करना है, मिड पॉइंट फार्मूला भी हमें पढ़ना है, ठीक है। देन अब इसी में आगे आपका ये आता है, इसमें जो एक्सटर्नल वाला है उसको हमें नहीं पढ़ना है। वैसे एक्सटर्नल वाला आपके कुछ सिलेबस में है भी नहीं, ठीक है, सिर्फ हमें इंटरनल बाइसेक्टर ही पढ़ना है। तो हमें जो इसमें 7.2 एक्सरसाइज में जितने भी एग्जांपल्स हैं और क्वेश्चंस हैं सभी आपके सिलेबस में, इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, चाहे एक्सरसाइज 7.2 हो चाहे 7.1 हो, इनमें कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, सब कुछ आपके सिलेबस में है। एग्जाम्पल नंबर 9 हो, एग्जाम्पल नंबर 10 हो, चाहे एक्सरसाइज 7.2 हो, इसके हर एक क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं है, सब का सब कुछ हमें पढ़ना है। हाँ कहीं पर अगर आपको एक्सटर्नल दिख जाए कि डिवाइड एक्सटर्नली तो आप उसको छोड़ देंगे, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। देन अगला एक्सरसाइज हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये जो आपका एक्सरसाइज है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है एक्सरसाइज 7.3 में। हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना तो इसके फार्मूले हमें डिस्कस करने हैं, ना इसे कोई एग्जाम्पल हमें पढ़ना है। जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर 11 दे रखा है, इसको आप क्रॉस मार लें, आपके सिलेबस में नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 12 भी आपके सिलेबस में नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 13 भी आपके सिलेबस में नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 14 भी आपके सिलेबस में नहीं है, इसको भी आप क्रॉस मार लें अपने बुक पे, ठीक है। देन एग्जाम्पल नंबर 15 भी आपके सिलेबस में नहीं है, इसको भी आप क्रॉस कर लें। देन अगला है एक्सरसाइज 7.3, ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपके सिलेबस से रिमूव कर लिया गया है, इसको आप लोग क्रॉस कर लें अपने बुक पे, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। देन अगला आता है एक्सरसाइज 7.4 जो कि हम लोग का ऑप्शनल है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, देन क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके सिलेबस में है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके सिलेबस में है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। देन ये जो ये 5 वाला है ये आपके सिलेबस में नहीं, क्योंकि इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया है, जहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल दिख जाए वो आपके सिलेबस में नहीं है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। देन ये नहीं है, फिर आपका 6 वीक सिलेबस में नहीं है,
सेवन भी आपका सिलेबस में नहीं है, तो ये आपका एक चैप्टर सेवन यानी कि जो क्वाड्रेंट ज्योमेट्री था उसका एक डिटेल सिलेबस का डिस्कशन था। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको ICSE चाहे CBSE क्लास 10th के जो होने वाला बोर्ड एग्जाम है 2023 उससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू।